सो हेलो एवरीवन, आज होल नाइट स्टडी करने का प्लान बनाते हैं और देखते हैं होल नाइट स्टडी करके आज के सारे टारगेट्स पूरे हो पाते हैं या नहीं। अभी समय 10:24 PM हो रहा है और आज के ब्लॉग में मेडिटेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो काफी सारे लोग पूछ रहे थे। फिलहाल शुरू करते हैं अपने होल नाइट स्टडी ब्लॉग को। मैं दिन में भी स्टडी कर रहा था, बट जब मैं डिनर करके आता हूँ तो देख के टास्क को लगता है कि टास्क काफी सारे बचे हुए हैं। लग रहा था पूरा नहीं हो पाएगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा स्ट्रेच करते हैं और कोशिश करते हैं होल नाइट स्टडी करके सबको पूरा करें। अब वो तो देखते हैं सब पूरा हो पाता है नहीं। और जो टास्क आप टिक देख रहे हैं उनको मैं दिन में स्टडी कर रहा था तो पूरा किया था। बीच में एक बार को मैं हमारी तरफ जन्माष्टमी में कृष्णा जी की मूर्ति वगैरह लगती है तो मैं एक बार को मार्केट में गया था, थोड़े समय के लिए पूजा वगैरह हो रहा था तभी, एंड फिर मैं डिनर किया एंड अभी वापस आया हूँ। आज मैंने NLM के 3 लेक्चर करने का टारगेट लिया था जिसमें से एक मैंने कर लिया था और 8 and 9 करना है हमें। यहाँ कंस्टेंट मोशन से हमें करना है ये दोनों। यार देखो, मेरे पास ये एक ऑप्शन तो है कि अगर मैं चाहूँ तो थोड़े से नीचे के टास्क को काट के अगर होल नाइट स्टडी करने का प्लान ना रहे हैं तो थोड़े से NLM के लेक्चर और बढ़ा सकता हूँ। हालांकि फिर भी होल नाइट स्टडी करें तो 3 या 4 लेक्चर थोड़ा मुश्किल होगा कंप्लीट करना, बट हाँ कुछ टास्क अगर नीचे के काट दे तो मे बी कर पाए, या फिर इनको रहने भी दे सकते हैं। कितना ही एक दिन में फिजिक्स पढ़ेंगे, अब देखेंगे आगे मेरा जो भी मूड बनेगा। फिलहाल तो लेक्चर नंबर 8 से करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं NLM के अलग से शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहा हूँ, NLM के जो मेरे पास ओल्ड ईयर के शॉर्ट नोट्स हैं उनको यूज कर रहा हूँ। और कुछ एक्स्ट्रा अगर लिखना है, एक सेकंड, अरे बॉस, और कुछ एक्स्ट्रा अगर होता है तो मैं इनके अंदर ही ऐड कर लेता हूँ। आप भी ऐसा चीज ट्राई कर सकते हो कि अगर आपके पास ऑलरेडी ओल्ड नोट्स हैं जो कि काफी अच्छे हैं तो आप उनके अंदर ही चीजें ऐड कर सकते हो, उससे हो जाएगा। तो अभी NLM देखना शुरू करते हैं एंड कंस्टेंट मोशन यहाँ से हमें ये वाली चीज को करना है। तो फिर मैं आगे लेक्चर को करना स्टार्ट करता हूँ। और आजकल सीन ऐसा ही चल रहा है कि हर रोज मेरे को स्टडी करते हुए काफी लेट नाइट हो जाता है, तो बस उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करने पे वो होल नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और आज मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मुझे नीचे कमेंट बताना आपने कभी एक बार भी होल नाइट स्टडी करना ट्राई किया हो। तो फाइनली अभी जाके मैंने ये कम्प्लीट किया लेक्चर और इसको करने में टाइम एक बार को देखे तो 12:31 AM हो गया है और इधर टास्क के अंदर भी लेक्चर 8 कम्प्लीट हो गया। इसके बाद आई एम थिंकिंग थोड़ा सा प्लांट किंगडम की रीडिंग करना है तो इसको देखते हैं। फिर मैं प्लांट किंगडम को करना शुरू करता हूँ एंड प्लांट किंगडम की रीडिंग करने के बाद जो ही मैं पेज पढ़ता हूँ उनकी NCERT अभ्यास वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। बिकॉज इसमें पेज वाइज मैनर में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो कोई भी दिक्कत आती है तो उसका प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन मिल जाता है। एंड प्रैक्टिस करते वक्त ही लगे कि इस क्वेश्चन पे दोबारा रिविजिट करना है तो उनको यहाँ से आराम से क्लिक करके बुकमार्क कर सकते हैं। NCERT अभ्यास पेज प्ले स्टोर पे आराम से आपको नीट प्रिपरेशन ऐप के अंदर मिल जाएगा। इसी ऐप के अंदर एक बहुत ही पावरफुल फीचर मिलता है PYQ मार्क NCERT, जिसके अंदर NCERT के वो सारे लाइन हाईलाइट कर रखे हैं इसके अंदर, इनसे अब तक लास्ट 25 ईयर में क्वेश्चन आए हैं। साथ में हम उन लाइंस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि उनसे कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और उनमें भी कोई दिक्कत आती है तो उनका प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऑल्सो इस ऐप में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे वैरायटी को कवर करते हैं एंड वो टोटली लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, जैसे कि सर्सन रीजन क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैच द कॉलम क्वेश्चन, सिक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन या फिर डायग्राम वाले क्वेश्चन। ऑल्सो अगर आप अभी अभ्यास में ज्वाइन करते हो तो आपको अभ्यास एसेंशियल का भी एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें हर एक चैप्टर का 75 to 100 हाईल्ड क्वेश्चन पेज वाइज मैनर में अरेंज करके दे दिया है, जिसके अंदर NCERT बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, NCERT इंटेक्स क्वेश्चन, फिर NCERT एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है MCQ फॉर्मेट में विद देयर प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन। इवन 2019 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन, जैसे कि जो मणिपुर में हुआ था, गंगानगर में हुआ था, सारे पेपर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप NCERT अभ्यास बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो, या फिर अगर ऑफलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप अल्टीमेट कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हो, जिसके अंदर 8 फिजिकल मॉड्यूल मिल जाएंगे विद 50 OMR सेट, ताकि अच्छे से ऑफलाइन प्रैक्टिस हो पाए। साथ में 3 डेज नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी है। तो अगर आपको इसके फीचर्स अच्छे नहीं लगते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हो, प्रैक्टिस करते हो, फीचर्स ट्राई करते हो एंड अगर वो आपको पसंद ना आए तो आप इस मेल पे एक मेल कर दो, आपको 100% मनी रिफंड बैक मिल जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आई विल प्रोवाइड इट्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। फिर आगे प्लांट किंगडम करने के बाद मैं आयोनी के लेक्चर 4 को करना शुरू करता हूँ। पर इसमें मेरे को ये बिल्कुल शुरू से नहीं करना है, मैंने बताया ना मैं दिन में स्टडी कर रहा था तो मैंने ऑलरेडी इतना किया था, फिर मैं पूजा में चला गया था मार्केट में तो इधर तक किया था और बीच में मेरे को पॉज करके जाना पड़ा बिकॉज बार बार नाना का कॉल आ रहा था कि आओ, सब कोई आ गए, फैमिली का सब कोई जा रहा था वहाँ पे, तो फिर मैं भी गया तो यहीं पे पॉज करके चला गया था। मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था प्रैक्टिस, हाँ ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो ही मैं इसको यहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ। और मैं लेक्चर देखने के साथ आयोनी के नोट्स नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास चैप्टर के बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने इनको बहुत टाइम एंड एफर्ट देकर लास्ट ईयर बनाया था। एक पेज के अंदर ही आयोनी के सारे फॉर्मूला एंड सारी चीजों को कवर कर रखा है, तो ऑफकोर्स दोबारा शॉर्ट नोट्स पूरा शुरू से बनाने की आई डोंट थिंक नीड है, बिकॉज इसके अंदर ऑफकोर्स कंटेंट चैप्टर वही है, कंटेंट वही है एंड सारी चीजों को मैंने ऑलरेडी इसके अंदर कवर कर ही रखा है। मैंने इसमें फॉर्मूला तो लिखे ही है, साथ में लॉग, एंटी लॉग, कुछ क्वेश्चन भी कवर किए हैं, बेसिकली जितना भी कुछ चैप्टर के अंदर है सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है बस एक पेज के अंदर, तो दोबारा सब शुरू से बनाने की जरूरत है ही नहीं। तो फिलहाल अब इसको देखना शुरू करते हैं एंड जो भी क्वेश्चन आएगा लेक्चर के अंदर साथ ही साथ मैं उसको प्रैक्टिस करते चलूंगा। लेक्चर के टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं मेनली यूज करता हूँ इस भाई साहब को, बहुत अच्छे हैं, तो शुरू करते हैं। मैं कैमरा साइड में सेट कर रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा एस्थेटिक लुक देखने के लिए मैं इसको चालू कर लूँ, थोड़ा नाइट वाली वाइब भी आएगी, ब्लू लाइट कर देंगे तो रेड से इसको ब्लू। हाँ अभी लुक चेक मारो कितनी एस्थेटिक आ रही है। आज का टेबल पता है फिर भी थोड़ा सा ठीक दिख रहा है ये थोड़ा, हाँ अब ठीक है क्योंकि मैं दिन में स्टडी कर रहा था तो ऑफ कोर्स मैं सुबह में उठ के एक बार टेबल को क्लीन कर लेता हूँ। ब्लॉग जब स्टार्ट हुआ तब ये ऑलरेडी मैं स्टडी करते आ रहा था इसलिए थोड़ा ऑर्गेनाइज दिख रहा है, वरना भी इतने क्लीन हाल में तो नहीं होता। खैर अभी स्टार्ट करते हैं इसको करना।
और एक बार को टाइम अगर देखें तो 223 सॉरी अभी गिरा होता है लिटरली नीचे, 223 AM से स्टार्ट करें इसको करना, देखते हैं कब तक खत्म होता है ये और ये भी। फिर मैं आगे आयनी के लेक्चर को देखना कंटिन्यू करता हूँ और साथ ही साथ लेक्चर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ। एंड फिर मैं आगे अपने शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करता हूँ और शॉर्ट नोट्स को मैं बिल्कुल शुरू से पूरा रिवीजन करता हूँ। बेसिकली जिस चैप्टर के भी मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं मैं उनको चैप्टर खत्म करते करते कई बार रिवीजन कर लेता हूँ, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन वगैरह होती है तो चैप्टर को लेक्चर के करने के साथ वो क्लियर हो ही जाती है, और ऐसे करके चैप्टर मल्टीपल टाइम रिवीजन भी हो जाता है। इफ यू आर ड्रॉपर तो आप ये चीज ट्राई कर सकते हो, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मेरे को ये ठीक लगता है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने पूरे शॉर्ट नोट्स को भी रिवीजन कर लिया, मैंने इधर का लेक्चर तो कब का खत्म कर लिया था, और टाइम जो हो रहा है 3:44 AM हो रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा ब्रेक लेने का, इधर आयोनिक का लेक्चर भी खत्म किया एंड साथ में मैंने शॉर्ट नोट्स रिवीजन करने का टारगेट लिया था तो इसको भी खत्म कर लिया। बेसिकली मैं ये कोशिश करता हूँ ना कि अगर शॉर्ट नोट्स है मेरे पास चैप्टर के तो जितनी बार मुझे कोई टॉपिक भी रिवीजन करना होता है चैप्टर के अंदर ना तो पर्टिकुलर उस टॉपिक को रिवीजन करने की जगह मैं शुरू से ही अगर पूरा चैप्टर को रिवीजन कर लेता हूँ। शॉर्ट नोट्स रिवीजन करने में वैसे भी कम टाइम लगता है और पूरा चैप्टर ऐसे कई बार चैप्टर खत्म होते होते तक रिवीजन हो जाता है, तो ये वाली चीज मेरे को थोड़ी सही लगती है इसलिए मैं ट्राई करता हूँ। खैर फिलहाल तो मैं ब्रेक ही लूंगा, अभी ब्रेक लेते हैं, थोड़ा बाहर से आते हैं देख के बाहर का मौसम माहौल वगैरह, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अपना, मिलते हैं, बाय। तो अभी मैं छत पे आया हूँ रात के 3:46 AM पे, और वो देखो वो दिखाता हूँ उधर जो वो लाइट दिख रही है ना वहाँ पे, सेकंड में फ्लास्क को अगर ऑफ करूँ तो अब अच्छे से दिख रहा होगा, वहाँ पे वो जो लाइट दिख रही है वो एक्चुअली में हमारे तरफ जन्माष्टमी की पूजा है ना तो वहाँ पूरे लाइट्स वगैरह लगा रखे हैं, मैं दिन में एक बार हो गया था वहाँ पे, बहुत पास में ये मार्केट, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगता होगा वॉकिंग डिस्टेंस से, एंड यू विल थिंक कि रात के वक्त भी ये लाइट्स ऑन है तो हाँ ये ऑन ही रहती है यार। वहाँ पे झूला वगैरह भी आता है थोड़ा, और एक टाइप ऑफ होता है ना कि बहुत अच्छे सेलिब्रेशन होता है तो बहुत सारे लाइट्स वगैरह ऑफ कोर्स लगेंगी, कितने लोग रास्ते में आ जा रहे होते हैं उनके लिए प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, भोज भी खिलाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन शॉर्ट, जिनके तरफ पूजा होता होगा उनको मालूम होता होगा। एंड ये है अभी बाहर का व्यू, वहाँ पर कोई आ रहा है क्या? अच्छा मेला सही लग रहा है, ये लौट रहे हैं। सोचो यू थिंक यू आर ओनली डूइंग हार्ड वर्क, देखो एक्चुअली मैं 3:48 AM रात भर से ये मेला के अंदर थे, एंड लुक ये अभी घर को लौट रहे हैं। यार लाइफ इज ए स्ट्रगल, एक्चुअली यार लाइफ इज ए वेरी स्ट्रगल, इनके साथ एक छोटा बच्चा भी है वो भी बेचारा अब तक जग रहा था, सोचो क्या कर रहे हैं यार वो लोग यहाँ पे रुक के, कुछ चोरी वगैरह हो रही है क्या? नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ से लग रहा है लेके गए थे ये बैठने वाली टेबल तो वापस रख के वापस जाने लगे। तो चलो अभी मैं वापस चलता हूँ नीचे, मैं बेसिकली थोड़ा सा वॉक वगैरह करने के लिए आया था, रूम के अंदर बैठे बैठे ऐसे पकना सा हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए बाहर आके अच्छा फील होता है। 3:50 हो रहा है, चलते हैं अब नीचे सीधा। एंड रुको मैं आपको थोड़ा सा क्लिप्स दिखाता हूँ जब मैं मार्केट गया था आज, तभी मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो बस जो है वो आप देख लो। हाय तो अभी फाइनली मैं नीचे आ गया हूँ, और हमारा टास्क अगर देखें तो बस एक टास्क और रहता है, NLM का लेक्चर नंबर 9, इसको भी खत्म करते हैं फिर ही सोते हैं, आज के पूरे टारगेट्स फिर खत्म हो जाएंगे तो देखते हैं लेक्चर नंबर 9। यार बहुत लेट होगा सोने में, मैंने देखा ये अप्रॉक्स 2.5 घंटे का लेक्चर है बट चलो ठीक है करते हैं शुरू इसको। एंड काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कमेंट के अंदर कि व्हाट्स इन माय टैबलेट में वीडियो बनाऊँ, मेरे हर रोज फोन का स्क्रीन टाइम यूजेज कितना रहता है, मैं नोट टेकिंग के लिए कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ एंड ऑल, तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल दैट। अभी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, मैंने एक रिसेंट में कम्युनिटी पोस्ट डाला था, मैं पिछले 50+ डेज से हर रोज बहुत कंसिस्टेंट हूँ मेडिटेशन पे, एंड इसके रिगार्डिंग मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था तो काफ़ी लोग उसके अंदर पूछ रहे थे विच ऐप डू आई यूज फॉर मेडिटेशन एंड अबाउट माई एक्सपीरियंस 50 डेज का, व्हाट डिफरेंस डू आई फील, हाउ लॉन्ग आई मेडिटेट ईच डे, कब करता हूँ सुबह शाम रात, तो मेडिटेशन वाले ऐप के बारे में बताता हूँ। यूजुअली मैं रात को सोने के टाइम पे मेडिटेशन करता हूँ और फिर करके सोता हूँ। तो फाइनली अभी जाके मैंने इस लेक्चर को पूरा खत्म किया एंड मैंने काफी सारे पार्ट्स को स्किप करके भी करने की कोशिश की, फिर भी काफी टाइम लगा इसमें, इसको करने में भी टाइम देखो 6:29 AM हो गया है, सुबह के 6:30 होने को हो गए एंड फाइनली अभी जाके कंप्लीट हो गया, मेरे को बहुत ही नींद आ रही है एंड अभी इसको भी इधर टिक कर लेते हैं। तो फाइनली ये लास्ट टास्क भी आज का खत्म हो गया पूरा, वैसे देख के कितना अच्छा लग रहा है ना पूरा खत्म। बहुत ज्यादा थक गया होता हूँ एंड मुझे बहुत ही नींद आ रही होती है एंड टाइम तो आप देख ही रहे हो, तो फिर मैं मेडिटेशन करता हूँ ऑब्वियसली एंड फिर मैं सोने जाता हूँ। एंड काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे विच ऐप डू आई यूज फॉर मेडिटेशन, जब मैंने डे 50 होने पे ये कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो ये है वो ऐप, ये कुछ ऐसा दिखता है, प्ले स्टोर से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ओपन करने पे इसको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखता है एंड सबसे पहले शुरू में एक डिस्क्लेमर कि कहीं से भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप लोग पूछ रहे थे इसलिए मैं बता रहा हूँ, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छी चीजें वाई नॉट टू शेयर ताकि आपको भी इससे कुछ बेनिफिट हो। यहाँ पे डे 4 शो कर रहा है बिकॉज ये मैं दूसरा पाथ चूज किया हूँ, अभी मैं बेटर स्लीप पे वर्क कर रहा था, इससे पहले इसमें डे 38 दिखा रहा है, बिल्डिंग ए हैबिट पे था मैं, ऐसे ही इधर
आप जाओगे कुछ पहले तो प्रोडक्टिविटी पे मैं था, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी पे उनका पाथ चूज किया था। इसी ऐप के अंदर यहाँ पे एक फॉरेस्ट शो करता है, जो मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किया था वो यहाँ से किया था। यहाँ पे आप जब शेयर पे क्लिक करते हो शो करता है टोटल आपने कितने मेडिटेशन के सेशंस किए हैं, टाइम आपने कितना देर मेडिटेट किया है। एनीवेज इधर जो आप ये ट्री देख रहे हो एक्चुअली में ये ट्री नहीं आपका एक दिन है, वो एक दिन जिस दिन आपने प्रॉपर मेडिटेट किया। और जितना भी ये फॉरेस्ट देख रहे हो ये अलग अलग दिन इतने टाइम दे के फिर जाके ये ग्रो हुआ है, इतना ये जो अच्छा सा फॉरेस्ट आप देख रहे हो। तो ऐसा कुछ है। और बाकी ऊपर ये जो क्वाइन दिख रहा है इसका सिस्टम ऐसा रहता है कि आप जब मेडिटेशन कंप्लीट करते हो तो कुछ क्वाइंस मिलते हैं, उससे आप यहाँ से जाके परचेज कर पाते हो अलग अलग ट्री। मेरे पे बहुत सारे क्वाइंस हो गए हैं और इसमें सबसे महंगा वाला ट्री है वो ये है 1000 का, और मेरे पे उससे फार ज्यादा क्वाइन है। तो मैं चाहूँ तो इसको परचेज कर सकता हूँ, जैसे अनलॉक विथ 1000 करना है क्लिक करके परचेज कर सकता हूँ। और ये अभी परचेज हो गया, ओहो। और अभी मैंने इसको सिलेक्टेड रखा है तो आज मैं मेडिटेशन करता हूँ तो ये वाला ट्री ग्रो होगा। जैसे अभी मेरे पे अभी भी 900 कॉइन बचे हुए हैं तो सारा स्पेंड कर देता हूँ वीडियो बनाते हुए ही। 900 में ये दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है, मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है, ये वाला परचेज करता हूँ। तो ये मैंने परचेज कर लिया तो मेरे पे और दो ट्री अनलॉक हो गए। बेसिकली फॉरेस्ट को देख के अच्छा लगता है, एक रिफ्लेक्शन मिलता है कि हम इतने कंसिस्टेंट थे, इतना अच्छा फॉरेस्ट जो दिख रहा है इसमें हर एक पेड़ के लिए हमने एक एक दिन देके ग्रो किया है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी फील होती है। बाकी अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ 50 डेज का, तो यार सच में पहले से डिफरेंस फील होता है, एक बहुत अच्छी क्लियरिटी, एक सेंस ऑफ कामनेस फील होता है, यू फील मोर प्रेजेंट, आपके इस चीज़ को लेके बहुत क्लियरिटी से इजीली डिसीजन मेक कर पाते हो, आप चीज़ों को और क्लियरिटी से देख पाते हो, ये स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, फोकस या कंसेंट्रेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, एक बेटर सेंस ऑफ वेलबींग, यू बी मोर माइंडफुल, एंड देर आर फ्यू थिंग्स जिसको बस फील किया जा सकता है, व्हेन यू विल ट्राई देन यू विल फील बाय योरसेल्फ, सो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब सच में बहुत एक अच्छा पॉजिटिव फीलिंग होती है। बट हाँ, रिजल्ट तभी दिखते हैं जब आप इसको कंसिस्टेंसी से करो। बाकी जो मैंने ऐप बताया जरूरी नहीं कि आप इसके थ्रू ही मेडिटेशन करो, आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हो, कोई भी नेचर साउंड यूज कर सकते हो या कुछ भी ट्राई कर सकते हो। इस वाले ऐप में एक अच्छी चीज ये लगती है मेरे को कि बहुत अच्छे से गाइड करते हो खुद। पता है मैंने इसको बहुत पहले एक बार को ट्राई किया था, बट तभी मैंने बहुत दिन तक नहीं किया था, फिर छोड़ दिया था। अब भी मैंने लिटरली 50 डेज प्लस किया, अभी 100 डेज प्लस भी ले जाने की कोशिश करूंगा। पहले 100% फ्री था, बट अभी इन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया है, मतलब 80-90% के आसपास फ्री है। आप फिर भी डेली के सेशन, मेडिटेशन, आर्टिकल सब कुछ रीड कर सकते हो टोटली फ्री में। बहुत अच्छे से गाइड करता है। एक बार रुको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ डे 4 वाला लेसन। आवाज ही नहीं आ रही है। To your practice. Haan, okay. Hi, and welcome back. I'm Sam, and I'm glad to see you committed to your practice. ऐसा कुछ, अब इससे कॉपीराइट कहीं ना दे दे एटम वाले। बट हाँ यही है, इसमें आप चाहो तो अलग अलग नेचर का साउंड लगा सकते हो विल मेडिटेटिंग, यहाँ से ड्यूरेशन भी आप चेंज कर सकते हो। इसमें तो ऑप्शन नहीं है, 9 मिनट का है तो फिक्स है, इतना ही रहेगा। और यहाँ पे वॉइस चेंज कर सकते हो। एंड इसमें जब आप नीचे जाओगे तो इधर और भी बहुत सारे मेडिटेशन करने के लिए मिल जाएंगे। मैंने इनको सच बताऊं तो ट्राई नहीं किया, मैंने ट्राई किया था बताता हूं। और यहाँ पे शो करते हैं आपके सारे के सारे लाइक्ड मेडिटेशन या आर्टिकल जो जो आपने लाइक किया। यहाँ पे मेडिटेशन टाइमर शो करता है, तो यहाँ पे जितने देर का आपको लगा के करना हो कर सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट, इधर से कम ज्यादा हो सकता है। तो दिस इज ऑल, आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा अच्छा शेयर कर देते हैं। अब डे 100 पे अपडेट करूंगा आपको। आपने कभी भी भले ही एक बार ही मेडिटेशन वगैरह कभी ट्राई किया हो तो मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताना, एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस। बाकी अब एंड करते हैं ब्लॉग को, जल्द मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।